हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 32.3 कंप्लीट किए हुए थे, मतलब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो चैप्टर था हम लोग का वो कंप्लीट हो गया था। लेकिन उसमें अभी भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बचे हुए थे, जिसका डिस्कस अभी हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग अभी देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका जो पहला जो क्वेश्चन बोलता है इफ थ्री क्वाइंस आर टॉस, तीन क्वाइन को उछाला गया तो राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे उसका संख्या निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक क्वाइन को तीन बार टॉस करें, क्या बोलता है, इफ़ थ्री क्वाइंस आर टॉस, तीन क्वाइन को टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड, तीन क्वाइन को टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा जी, एच टी, फिर एच टी तो हो जाएगा हेड 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 टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल हेड टेल टेल फिर टेल टेल टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस ये कितना हो जाएगा, 8 इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसी क्वेश्चन का टू बोलता है इफ़ टू डाइस आर थ्रोन, दो डाई को थ्रो किया गया तो राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस। वेन टू डाइस आर थ्रोन, जब दो डाई को थ्रो किया जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस टोटल कितना हो जाएगा जी, ये 36। फिर क्वेश्चन नंबर बोलता है थ्री, ये बोलता है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स है तो यहाँ दिया गया है गिवेन दैट पी ए इज इक्वल टू एक्स, पी बी इज इक्वल टू वाई, देन राइट द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है। मतलब वी हैव टू फाइंड पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट फ्रॉम क्या पढ़े हुए थे, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसमें फार्मूला था पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस को इधर ले आए तो जगह पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, पी ए इज़ एक्स पी बी इज़ वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसी पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का ही वैल्यू निकालना है, ये हम लोग को आ गया एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, ये बोलता है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट, दो इवेंट्स हैं तो यहाँ पे दिया गया है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1/3। तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी, देन वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड पी ए प्लस पी बी इज़ वाट,
पी ए प्लस पी बी इज़ वाट। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ कुछ और दिया गया है क्या? ये नहीं दिया गया हुआ है। तो सिंस यहाँ देखिए दिया हुआ है पी ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस, मतलब हो जाएगा पी ए यूनियन बी का होल डैस, और पी ए यूनियन होल डैस मतलब हो जाएगा वन माइनस पी ए यूनियन बी, हो जाएगा पी ए यूनियन बी। तो ये हम लोग का वैल्यू हो जाएगा किसका जी, इसका वैल्यू। अब हम लोग फिर से यहाँ हम जानते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से हो जाएगा ये इसका वैल्यू, ये हम लोग को दिया गया है कितना है 1/3, तो हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो हो जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो ये आंसर हो जाएगा 2/3। तो देखिए हम लोग को निकालना है पी ए प्लस पी बी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं बाय एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो जगह यहाँ से पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों का वैल्यू निकाल के रखे हुए, देखिए यूनियन का वैल्यू निकाले हुए हैं 2/3 है, इंटरसेक्शन का वैल्यू बुक में ही दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 6, ये हो जाएगा 4+1, तो आंसर हो जाएगा ये 5/6। हाँ तो इतना लंबा ना करते, देखिए ये अभी हम लोग निकाले हुए थे कि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए प्लस पी बी का ही वैल्यू निकालना है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मालूम है, पी ए यूनियन बी का वैल्यू मालूम है, सिंपल दोनों को ऐड कर दिए, हो जाएगा उसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 वेन 2 डैश आर थ्रोन वंस, दो डाय को एक साथ उछाला गया तो टोटल 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वेन 2 डैश आर थ्रोन वंस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ये कितना हो जाएगा 36, लेट कर लेते हैं e बराबर इवेंट दैट, एक ई कोई इवेंट है, बोलता है इवेंट दैट गेटिंग अ टोटल ऑफ 10, गेटिंग अ टोटल ऑफ 10, तो टोटल 10 क्या क्या हो जाएगा जोड़ने पर, एक हो जाएगा 1/6 तो होगा नहीं, 2/6 होगा नहीं, 3/6 भी नहीं होगा, 3/4 में आएंगे तो ये हो जाएगा 4/6, फिर आ जाएंगे ये हो जाएगा 5 में हो जाएगा 5/5, फिर ये हो जाएगा 6/4, इतना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ये हो जाएगा 3, देयरफोर ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई बाय एन एस, हो जाएगा 3/36, ये मतलब हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इफ़ एस बी द सैंपल स्पेस, तो यहाँ दिया गया है गिवेन दैट, गिवेन दैट बोल दिया 3 × पी ए इज इक्वल टू पी बी, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, एंड बोलता है एस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, यहाँ दे दिया गया एस इज इक्वल टू कितना है ए यूनियन बी, वेयर ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यहाँ बोल दिया हेयर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,
मतलब बोल सकते हैं, मतलब फाइव हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये भी दिया गया है, सिंस यहाँ दिया गया एस इज इक्वल टू, ये है ए यूनियन बी, दोनों तरफ हम लोग यदि प्रोबेबिलिटी लगा दें तो पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए यूनियन बी, और एस का मतलब है सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा वन, तो वन इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए यूनियन बी। और यहाँ बोल दिया है कि ए और बी दोनों का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हम जानते हैं वी नो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है वन, पी ए का वैल्यू पी ए ही रहने दें अभी, पी बी का वैल्यू ये दिया गया थ्री टाइम्स ऑफ पी ए हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ पी ए, और देखिए इंटरसेक्शन का वैल्यू जीरो, तो वन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ पी ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। हम लोग को निकालना है किसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ही निकालना है, पी ए निकालना था, ये आंसर आ गया 1/4। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बोलता है 42 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नेचुरल नंबर, फ्रॉम नेचुरल 1 to 30, इसमें कितना बोल दिया 42 नंबर्स बोल दिया, गलती से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है जी 7, यहाँ गलती से 42 लिखा हुआ है, वहाँ होना चाहिए ओनली 2। आप यदि आपके पास बुक होगा तो उसको आप सुधार लें, वहाँ जो 4 लिखा हुआ है उसको आप हटा दें, सिर्फ वहाँ पे 2 कर दें, हो जाएगा 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 30। बोलता है 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 डॉट डॉट 30, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस टोटल है 30, में से 2 को सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 30 × 29 × 1 × 2, ये हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 15 × 29, 15 × 29, इसको आप मल्टीप्लाई करके रख दें, क्वेश्चन बोलता है फिर इसमें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट देयर सम इज ऑड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों दो नंबर जो लेंगे दोनों का सम कित क्या दोनों का सम जो होगा क्या होगा ऑड। अब ध्यान दीजिए कोई भी नंबर है और दो नंबर का सम ऑड कब कब आ सकता है, या तो इवन कब कब आ सकता है, दो नंबर का सम ऑड, तो ये दो ऑड नंबर है, 3 भी ऑड है 5 भी ऑड है, दोनों को ऐड करेंगे तो ए नंबर क्या हो गया इवन हो गया, तो ये दो इवन नंबर है जैसे 6 और 8, ये हो जाएगा 14, तो दो इवेन नंबर का सम भी क्या हो गया इवेन। ऑड कैसे होगा, तो एक ले इवेन और एक ले ऑड तो हो जाएगा 7, तो ये नंबर क्या हो गया ऑड। तो बोलता है क्वेश्चन में उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका सम क्या हो ऑड हो, और दो नंबर को सेलेक्ट करना है 30 नंबर में से, तो दो नंबर का सम ऑड तभी आएगा जब एक ऑड नंबर लें और एक क्या होगा इवेन नंबर लें, तो सिंस सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑड वेन एंड वेन वन नंबर इज ऑड एंड अदर नंबर इज इवेन, पहला नंबर ऑड हो और दूसरा नंबर क्या हो इवेन हो, तो हेयर 1 से लेकर के 30 में देख सकते हैं टोटल 30 नंबर्स है, उसमें 15 ऑड होगा 15 क्या होगा इवेन, तो हेयर 15 ऑड नंबर्स एंड 15 क्या होगा इवेन नंबर्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ जी 1 to 30 तक में 15 ऑड नंबर्स हैं और 15 इवेन नंबर्स हैं, मतलब नंबर लेट ई बराबर इवेंट दैट द
सम इज ऑड मतलब क्या होगा, वन नंबर इज ऑड एंड अदर इज क्या चीज इवन, पहला नंबर ऑड होगा और जो दूसरा नंबर होगा क्या होगा इवन होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई क्या हो जाएगा, पहला नंबर ऑड, ऑड है 15, 15 में से कोई एक लेंगे, और यहाँ वर्ड है एंड, क्योंकि एक ऑड लेंगे और एंड दूसरा लेंगे इवन, तो एंड मतलब इनटू, और इवन है 15, 15 में से एक, तो हो जाएगा 15 × 15 इतना, तो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई तो हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो हो जाएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन ई बाय एन एस, तो एन ई है कितना 15 × 15 और एन एस है 15/29, यानी कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 15/29। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 यही हम लोग का आंसर दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लें, बुक में जो आंसर दिया है 15/19 वो गलती से दे दिया है, 19 दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे होना चाहिए 29 को गलती से 19 लिख लिया है, तो बुक में यदि कहीं आपका 19 लिखा हुआ है तो उसको भी सुधार ले, वहाँ पे हो जाएगा 29। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स है सच दैट, यहाँ दिया है गिवेन दैट, पी ए इज इक्वल टू एक्स, पी बी इज इक्वल टू वाई, फिर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जेड, बोलता है राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी। अब एग्जैक्टली जितना भी नंबर दिया गया है उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कम्स एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालनी है, एग्जैक्टली वन इवेंट होने का, तो एग्जैक्टली वन मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा, तो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए भी हो ये हो या तो बी हो, या मतलब और ये हो जाएगा कितना जी यूनियन बी वैल्यू, तो जानते हैं सिंस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ए जेड ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अ डाई हैज़ टू फेसेस ईच हैविंग नंबर 1 एंड 3 फेसेस हैविंग नंबर 2, एक डाई हैज़ टू फेसेस जिसमें क्या दो फेसेस है, उसमें सिर्फ दो फेसेस है, क्या बोलता है हैविंग नंबर 1, दो फेस में क्या है जी 1 है। यदि एक डाई बनाए तो डाई का फोटो आप बनाने जान रहे होंगे, तो आपने इस तरह से डाई इस तरह से देखिए वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होता है, तो एक फेस में क्या बोल दिया है, एक में है 1, 3 में बोल दिया है 2 और बोल दिया है एंड वन फेस हैविंग जो है नंबर 3, ये दिया गया है इस तरह से, एक में 2 में बोलता है 1 है, 3 में बोल दिया है कि 2 है और 1 में बोल दिया 3, मतलब यहाँ पे 2 में 1 कहीं भी 2 दे दीजिए, 2 में कहीं भी 1 दे दीजिए, फिर 3 जगह है 2, 1, 2, 2 दे दें और एक जगह है 3, टोटल 3 फेस थे, 6 फेस में नंबर आ गया है। बोलता है इफ़ द डाइज इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो किया गया तो राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1 और 3 मतलब यहाँ पे गिवेन दैट बोलता है अ डाई हैज टू फेसेस ईच हैविंग नंबर 1 एंड 3 फेसेस
इज हैविंग नंबर टू एंड वन फेस हैविंग नंबर थ्री. नंबर थ्री तो बोल सकते हैं एस में क्या क्या हो जाएगा जी, वन वन दो बार, टू 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 तीन बार होगा और थ्री वन बार. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ये हो जाएगा सिक्स. तुम लोग को बोलता है क्वेश्चन तो पी निकालना है वन और थ्री. पी जो है या तो एक हो जाए या तो तीन हो जाए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट या तो एक या तो दो. तो बोल सकते हैं ई लेट, ई बराबर इवेंट दैट वन और थ्री. तो इसमें कौन कौन सा होगा जी, वन वन और थ्री. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई हो जाएगा थ्री. देयर फोर पी ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा थ्री बाय सिक्स, मतलब इसका आंसर हो जाएगा वन बाय टू हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर. चलिए इसको नोट कर लें. अब देखिए क्वेश्चन नंबर टेन, ये बोलता है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग एट रेड सिक्स वाइट एंड फोर ब्लैक. एक बर्तन है या तो एक झोला है, इसमें कितना है जी, एट रेड बॉल है, सिक्स वाइट बॉल है एंड फोर ब्लैक बॉल्स हैं. फिर बोलता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट और ब्लैक. वाइट और कितना जी, ब्लैक. वाइट और ब्लैक होने की प्रॉपर्टी. तो टोटल बॉल्स बोल सकते हैं कि टोटल बॉल्स हो जाएगा एट प्लस सिक्स प्लस फोर ये हो जाएगा एटीन. ये हो जाएगा कितना, एटीन. तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस ये हो जाएगा एटीन. तो हम लोग को क्वेश्चन बोला है लेट ई बराबर इवेंट दैट, एक इवेंट है, इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज, दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट और ब्लैक. वाइट आ तो ब्लैक हो. तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई हो जाएगा सिक्स प्लस फोर, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट वाइट सिक्स है या तो फिर फोर, तो जाएगा टेन. तो देयर फोर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ई बाय एन एस, मतलब हो जाएगा टेन बाय एटीन. ये हो जाएगा इसका आंसर फाइव बाय नाइन. ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा. आंसर देख लें, इसका आंसर फाइव बाय नाइन ही दिया गया है. तो अभी हम लोगों ने ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइल क्वेश्चन में टोटल दस क्वेश्चंस थे, ये दस क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. चलिए इसको आप नोट कर लें. अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए. अब देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू. बोलता है इसमें पहला क्वेश्चन में अ बैग कंटेन फाइव वाइट सेवन रेड. एक बैग है जिसमें कितना है, फाइव वाइट एंड सेवन रेड है. बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल. तो टोटल बॉल यहाँ से कितना हो जाएगा जी, ट्वेल्व. तो जाएगा एन एस इज इक्वल टू ट्वेल्व. लेट ई बराबर इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज क्या चीज, रेड. बॉल ड्रॉन इज रेड. तो जाएगा एन इज इक्वल टू रेड. रेड कितना है, सेवन. तो देयर फोर पी ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ई बाय एन एस ये हो जाएगा सेवन बाय ट्वेल्व. ये हो जाएगा इसका आंसर. तो सेवन बाय ट्वेल्व दिया गया कहीं, ये है ऑप्शन नंबर बी में. ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रो. जब एक डाई को थ्रो किया गया है तो इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. तो व्हेन अ डाई इज थ्रो, व्हेन अ डाई इज थ्रो, जब एक डाई को थ्रो किया जाएगा तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. तो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस सिक्स
लेट कर लेते हैं, ई बराबर इवेंट दैट इवन नंबर गेटिंग इवन नंबर गेटिंग इवन नंबर। तो देख सकते हैं इवन नंबर में कौन कौन हो जाएगा जी, 2, 4 एंड 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई हो जाएगा 3। देयरफॉर पी ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ई बाय एन एस, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/2। क्या इसमें 1/2 कहीं दिया गया है? ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, एक दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बोलता है अ कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। एक ताश की गड्डी में से एक कार्ड वहां से क्या क्या निकाल गया। अ कार्ड इज पिक्ड अप फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस तो टोटल है 52C1, तो हो जाएगा यहाँ से 52। तो प्रोबेबिलिटी बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एग। यदि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड क्या होगा, एग का होगा, तो लेट ई बराबर इवेंट दैट एन एग। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, तो एक में एक का क्या होता है जी, 4, 4 में से कोई एक निकलेगा तो हो जाएगा 4। तो देयर फोर पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 4/52 मतलब 1/13। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये कहीं दिया गया है 1/13, ये है ऑप्शन नंबर बी में, ये है ऑप्शन नंबर कितना बी, 3 का बी आंसर दिया गया है, 3 का बी में आंसर दिया गया है। तो चलिए इसको नोट कर लें। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, इसमें और आगे क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।